हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 5 kg का फ्रोज़न थीम केक, जो कि अभी रिसेंटली मैंने अपने एक कस्टमर के लिए बनाया था। उसके पहले मैंने उनको एक और 1/2 kg का केक दिया था, जो कि उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने उसके बाद में मुझे ये 5 kg केक का ऑर्डर जो है वो दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केक को बनाने के लिए मैंने 9 inches, 7 inches and 5 inches, 10 का जो है वो यूज़ किया है मोल्ड का। 9 inches में मैंने यहाँ पर 800 grams वनीला प्रीमिक्स को बेक किया था, जिसको मैंने 5 layers में कट किया। 7 inch वाले टिन में मैंने 500 grams प्रीमिक्स को बेक किया, जिसको भी मैंने 5 layers में कट किया। और लास्ट में जो 5 inches का टिन है, जो टॉप टियर है, उसको मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स उसमें डाल के बेक किया था और उसको भी 5 layers में कट किया था। तो इन सभी को फ्रेंड्स मैंने 2-2 बार बेक किया है, क्योंकि टिन का साइज़ जो था वो छोटा था। एक बार में बेक नहीं किया इनको मैंने, इतने सारे प्रीमिक्स को 2-2 times में सभी टिन में मैंने बेक किया था। तो बेक करने के बाद में मैंने लेयर्स 5-5 कट की और सब में मैंने फिलिंग भी कर दी फ्रेंड्स। पाइनएप्पल फिलिंग थी इसके अंदर, पाइनएप्पल क्रश का मैंने यूज़ किया था। और करने के बाद में यहाँ पे देखिए, जो सबसे बेस टियर है, यानी कि जो 9 inches वाला बेस है, उसको मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। उसकी मैंने फिनिशिंग कर दी और ये ब्लू कलर का शेड देने के लिए थोड़ा सा व्हिप क्रीम में ब्लू कलर मिलाया और उसको देखिए इस तरीके से पैलेट नाइफ से केक के साइड्स में लगा के मैंने यहाँ पर ये सिलिकॉन का जो स्क्रैपर आता है उससे स्मूथ कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा ये डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का इसके ऊपर शेड आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये टियर जो है वो रेडी हो गई, बेस टियर। और इसमें ये वेव का डिज़ाइन के लिए देखिए, बस इस तरीके से एक स्क्रैपर से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना दी। अब इस टियर में सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो डोवेल होती है वो यहाँ पर देखिए 4 डोवेल जो है इसी की साइज़ की कट करके इसके ऊपर इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दी। और डोवेल इंसर्ट करने के बाद में इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने ये पार्चमेंट पेपर जो है, जो मिडिल टियर है, उसके बेस के साइज़ का यहाँ पर मैंने पार्चमेंट पेपर जो है वो कट करके इसके ऊपर लगा दिया, ताकि जब मैं वो मिडिल टियर इसके ऊपर रखूँ तो उसका जो बेस है, यानी कि जो कार्डबोर्ड है, वो सॉगी ना हो, इसके ऊपर एज इट इज़ रखा रहे। और जो क्लाइंट ने जो फ़ोटो पसंद किया था फ्रेंड्स केक का, उसमें थोड़ा ग्लिटर भी था, एडिबल ग्लिटर, तो उसको देखिए यहाँ पर शिमर पंप की हेल्प से मैं यहाँ पर ब्लू कलर का ग्लिटर जो है या शिमर है वो यहाँ पर मैं स्प्रे कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे बेस टियर जो है फ्रेंड्स वो पूरी रेडी हो गई है। इसी तरीके से मिडिल टियर, जो कि मैंने 7 inch के टिन में बेक की थी, उसको भी यहाँ पर क्रम्प कोटिंग के बाद में फ़ाइनल फिनिशिंग जो है उसकी कर दी। और फाइनल फिनिशिंग करने के बाद में इसमें भी जो ब्लू शेड है वो मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से पहले इसमें लगाया और फिर सिलिकॉन का जो स्क्रैपर है उसकी हेल्प से मैंने इसको स्मूथ कर दिया। तो इसमें भी ब्लू कलर का शेड जो है वो फ्रेंड्स आ गया। अब सेम पहले वाले टियर की तरह इसमें भी वेव डिज़ाइन जो है वो बना दी स्क्रैपर की ही हेल्प से। और इसको बनाने के बाद में इसमें भी जो डोवेल है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 डोवेल ही इसके अंदर इंसर्ट की है, क्योंकि इसके ऊपर तो सिर्फ 1 kg केक ही जाएगा, तो ज़्यादा हैवी नहीं है। नीचे वाला सबसे बेस टियर है फ्रेंड्स वो 2.5 kg का है, मिडिल वाला यानी कि ये 1.5 kg का है, और जो सबसे टॉप टियर है वो 1 kg का है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी मैंने यहाँ पर पार्चमेंट पेपर लगा लिया, ताकि जो अपर टियर है उसका बेस भी सॉगी ना हो। तो यहाँ पर ये टियर भी हमारी रेडी हुई और बस शिमर जो है वो भी यहाँ पर मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया बेस टियर की तरह ही। फ्रेंड्स, ये है हमारी टॉप टियर 1 kg की, जिसको 5 inches के टिन में बेक किया था। तो इसको भी पहले की तरह ही पूरा रेडी करके शिमर पंप से इसके ऊपर शिमर जो है ब्लू कलर का वो स्प्रे कर दिया। और अब असेंबलिंग का टाइम फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको उठाकर जो मिडिल टियर है उसको अपने ये बेस टियर के ऊपर प्लेस कर दिया केयरफुली, बिल्कुल धीरे से। फिर अब इसके बाद में जो टॉप टियर है उसको भी देखिए यहाँ पर इस तरीके से उठा के और इसके ऊपर प्लेस कर दिया मैंने।
बिल्कुल धीरे से, ये देखिए तो हमारी असेंबलिंग जो है यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों केक की हो चुकी है। बस अब इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो डोवल है वो मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी, क्योंकि मैंने सभी बेस में फ्रेंड्स सेंटर में सर्कल यानी कि होल किया है तीनों में ही, पार्चमेंट पेपर में भी और बेस में भी, ताकि डोवल जो है वो हमारी पूरी नीचे तक इंसर्ट हो जाए अच्छी तरीके से। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो थोड़ा गैप है बेस की वजह से उसको मैं यहाँ पर ये पाइपिंग पेपर में बस हल्का सा कट किया है और बस डॉट 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 मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। अब फ्रेंड्स जो कटआउट है ये मैंने घर पे ही प्रिंट निकाले हैं, ये देखिए इनको प्रिंट निकाल कर और इनके पीछे पार्चमेंट पेपर जो है वो ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक किया है, ताकि ये भी ख़राब ना हो प्रिंट, जब तक केक के ऊपर है तब तक ये ठीक रहे। और बस इसको ईजिली इसके सामने चिपका दिया है, लगा दिया, देखिए दो मैंने नीचे लगा दिए कटआउट और यहाँ पे ये एल्सा का कटआउट सेम नॉर्मल पेपर पे प्रिंट किया है और पीछे पार्चमेंट पेपर जो है उसको लगाया है। और ये देखिए इसको भी यहाँ पर इस तरीके से खड़ा कर दिया और लास्ट में ऊपर वाले टियर में फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिज़ाइन था उसमें एक कासल का फ़ोटो था, तो सेम इसी तरीके से कासल का फ़ोटो भी मैंने ऊपर वाले टियर में प्लेस कर दिया, लगा दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों ही टियर में जो भी कटआउट थे वो मैंने लगा दिए, कासल, एल्सा और नीचे वाले बेस में जो भी था। अब यहाँ पर कुछ मैंने फोंडेंट के स्नो फ्लेक्स जो हैं ब्लू एंड वाइट कलर के वो बना के रखे थे, उनको भी देखिए मैं यहाँ पर जगह जगह लगा दूँगी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही तीनों टियर में। कुछ स्नोफ्लेक्स फ्रेंड्स मैंने केक के बैक साइड में और साइड्स में भी लगा दिए और जो नाम लिखना था बोर्ड के ऊपर वो भी मैंने अल्फ़ाबेट जो है वो फोंडेंट के ही कट किए हैं, उनको भी इसके ऊपर लगा दिया। और लगाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ये देखिए राइस पेपर के मैंने ये विंग्स टाइप के सेल टाइप के बनाए हैं, तो इनको भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। दो मैंने सबसे टॉप टियर में लगाए हैं, दो मिडिल वाली टियर में और दो बेस टियर में। राइस पेपर के साथ ही में फ्रेंड्स मैंने तीन फॉक्स बॉल्स भी लगाई हैं ऊपर टॉप टियर में और बेस टियर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा ये राइस पेपर के साथ में फोंडेंट स्नोफ्लेक्स और ये कटआउट DIY कटआउट के साथ में हमारा ये केक जो है 5 kg का वो बनके रेडी हो चुका है। कस्टमर को फ्रेंड्स इस केक का डिज़ाइन, इस केक का टेस्ट बहुत ही पसंद आया था, पार्टी में जो गेस्ट थे उनको भी बहुत पसंद आया था, इसका रिव्यू मुझे बहुत ही अच्छा मिला। आई होप आज आपको भी इस केक का वीडियो पसंद आया होगा, इसकी मेकिंग का। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है या सजेशन है तो उनको भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी बेकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।